दोस्तों आजकल दुनिया ऐसी है कि सगे भी दुश्मन बन जाते हैं और साथ में रह के आपका इतना हार्म कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और पता चलता भी है तो बहुत देर हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने फ़ोन किसी को भी दे देते हैं कुछ टाइम के लिए, पर क्या पता वो आपकी फ़ोन में कुछ ऐसी सेटिंग्स करके रखा हो जिससे आपकी फ़ोन में वो नज़र रख सके और स्पेशली आपके व्हाट्सएप की हर चैट्स पे नज़र रखे। वेल दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कहीं आपका व्हाट्सएप हैक तो नहीं है, और अगर है भी तो इससे कैसे बचें। तो ये सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना और अपने भाई के लिए वीडियो को एक लाइक कर देना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ देवाशीष और आप सबका स्वागत है टेक एजेंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों व्हाट्सएप को हैक करने का वैसे तो बहुत तरीके होते हैं, पर उनमें से कुछ कॉमनली यूज्ड तरीके के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहला जो तरीका है वो है व्हाट्सएप ऐप। इस मेथड से दोस्तों कोई भी एक व्हाट्सएप को अलग अलग डिवाइस में लिंक कर सकता है और आपका व्हाट्सएप को किसी भी ब्राउजर से एक्सेस किया जा सकता है। कहीं आपका व्हाट्सएप कोई और तो यूज़ नहीं कर रहा? इसको जानने के लिए दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, उसके बाद इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ लिंक्ड डिवाइस पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने व्हाट्सएप को अपडेट नहीं किया है तो आपका वहाँ पे व्हाट्सएप ऐप शो होगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ आपको दिख जाएगा कौन कौन सा डिवाइस में आपका व्हाट्सएप लॉगिन है। यहाँ से आप किसी भी डिवाइस को ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि एक व्हाट्सएप को दो अलग अलग डिवाइस में कैसे यूज़ करते हैं तो आप इस वीडियो को देख लेना। गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन कंटेंट ही मिलेंगे, सो यू कैन ट्रस्ट। तो अभी देख लेते हैं मेथड नंबर टू, जो कि है चैट बैकअप। गाइस ये एक बहुत ही कॉमन इशू बन चुका है व्हाट्सएप चैट लीक होने का। आपकी इसी प्यारे चैट्स की बैकअप ही आपके लिए मिनटों में खतरा बन सकता है अगर आप कुछ जरूरी सेटिंग्स पे नज़र ना रखते हो तो। दोस्तों यहाँ आप हमेशा चेक करना कहीं आपका खुद का जीमेल के बजाय कहीं किसी और का जीमेल तो ऐड नहीं है। अगर यहाँ किसी और का गूगल अकाउंट है तो सोचिए गूगल ड्राइव से आपकी चैट्स को रिस्टोर करके कोई भी आपकी पुराने चैट्स को बहुत ही आसानी से पढ़ सकता है, और ये कितना डेंजरस हो सकता है आप सोच सकते हैं। गाइस इसी तरीके की सिक्योरिटी हैक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मेरे इस छोटी सी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तो अभी बात कर लेते हैं तीसरा जो तरीका है उसके बारे में, यह है स्पाइंग ऐप्स। दोस्तों अगर कोई आपकी फ़ोन को किसी स्पाई ऐप की मदद से मॉनिटर कर रहा हो तो इट्स वेरी हार्ड टू डिटेक्ट, बट डोंट वरी आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा एंड रोशनी के साथ आपको अंधेरा भी दिखाऊंगा। तो ये रहे स्पाई ऐप्स को डिटेक्ट करने के कुछ कॉमन तरीके। नंबर वन, अपनी ऐप लिस्ट को हमेशा चेक करते रहे, कोई भी डाउटफुल ऐप मिले तो पहली फुर्सत में उसे निकालें। नंबर टू, हमेशा अपनी डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर को चेक करते रहिए कहीं अपनों के जगह किसी पनौती तो नहीं है। नंबर थ्री, अगर आपकी फ़ोन जल्दी हीट हो रहा हो या बैटरी ड्रेनिंग ज़्यादा हो रही है तो समझ लेना कोई झोल है। बाकी किसी ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे कि स्पाइंग ऐप को डिटेक्ट कर सके, तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना। एंड अगर आपको पता नहीं है कि स्पाई ऐप की मदद से कैसे आपकी फ़ोन को हैक किया जा सकता है या कैसे करते हैं तो आप ये दो वीडियो को देख लेना जहाँ प्रैक्टिकली बताया हूँ कैसे स्पाई कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत कर लो यार, एंड कमेंट बॉक्स पे अटेंडेंस लगा देना, और दूरदर्शी नज़र वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रिश्ता बरकरार रहे आगे भी। सो आज के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।